नमस्कार, कबीर साहब से जुड़ी हुई कुछ बातें हम आपको यहाँ से कुछ चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब पहली बार लहर तारा के नज़दीक से कबीर साहब को नूर अली और माता नीमा जी आप देख रहे हैं लेके आए हैं, तो लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये बालक कहाँ से लेके आ गए। लोग जो है खुश भी थे, कुछ लोग आश्चर्यचकित भी थे। तो इसको चित्र में दर्शाया गया है, तो यहीं बगल में दूसरे चित्र में हम देखते हैं। चूँकि जो है जब मुस्लिम धर्म की परंपरा थी कि यहाँ पे उनका नामकरण संस्कार किया जाए, तो वहाँ पे देखा गया कि हर बार जो है नाम रखते समय कबीर का नाम आता था, तो सब लोग बहुत ही मतलब वहाँ जो मौलवी थे वो मतलब बड़ा आश्चर्यचकित हुए। चूँकि कबीर, कुबरा, अकबर ये तीनों नाम जो है परमपिता के ही हैं, तो बोले ये तो नाम जो है बार बार वहीं आ रहा है, ये बहुत आश्चर्यचकित हो रहे हैं, देख सकते हैं। लेकिन जैसे कि मुस्लिम समुदाय में सुन्नत करने का एक रिवाज होता है, तो उस समय में सुन्नत करने के लिए जब लोग आए जो आसपास, लेकिन कबीर साहब के प्रताप देख करके सारे लोग भागते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस तरीके से ये चित्र में समझाया गया है। तो आइए देखते हैं और आगे। लेकिन कबीर साहब जैसे जैसे बड़े होते गए, उनको जो है अध्यात्म की ओर उनका रुख बढ़ता गया और वो गुरु की तलाश में निकल पड़े। वहाँ रामानंद, चूँकि उस समय जाति पाखंड और कुरीतियाँ इतनी ज़्यादा थी कि आम आदमियों को शिष्य स्वीकार नहीं किया जाता था, गुरु रामानंद उसे स्वीकारने के लिए उनको जो है पंचगंगा घाट पर इसी तरह सीढ़ियों पर लेटना पड़ा। और तब उन्होंने रामानंद जी को उन्होंने गुरु बना लिया, इस तरीके से यहाँ समझाया गया है। और फिर रामानंद कबीर साहब को बहुत ही प्रेम करते थे, उनके बहुत ही प्रिय शिष्य थे। इस तरह से कबीर साहब कि यहाँ जो भी लोग आते थे, जो भी उनके दरवाजे पे कोई भी हो, किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। कोई साधु संत की अगर टोली आती थी तो सबको कुछ न कुछ ज़रूर देते थे, भले चाहे उधार लेके ही देना पड़े। ये केवल बात कबीर साहब के पास ही हो सकती है। वाकई में ये जो है उदाहरण कहीं और नहीं मिल सकता है। उनके घर पे कोई भी आए तो उसको जो है खाली हाथ नहीं जाने देते थे। ये कितनी बड़ी जो है बात है। ऐसे कई सारी मान्यताएं हैं कि कबीर साहब के घर अगर कुछ भी नहीं रहता था तो दुकान पे उधार लेने चले गए थे, अपनी पत्नी को भेज दिया था। और इस तरीके से कई सारी उनके बारे में कहानियां उपलब्ध हैं। तो इस तरीके आप देख सकते हैं। वहीं बगल में एक और प्रतीक के रूप में यहाँ चित्रों में समझाया, जगत गुरु रामानंदाचार्य और अगल बगल साधु संतों की टोली यहाँ पर विराजमान है, आप देख सकते हैं। और बगल में सबसे जो है प्रिय शिष्य कबीर साहब भी बगल में ही बैठे हैं। तो उस समय में कबीर साहब को, रामानंदाचार्य को भी ये बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी। उन्होंने सभी परंपरा को दरकिनार करते हुए, चूँकि एक जुलाहे घर में पले बढ़े कबीर साहब को अपनाना बहुत बड़ी चुनौती थी, तो जगत गुरु रामानंदाचार्य ने, चूँकि वो एक बहुत ही बड़े गुरु थे और सब हर धर्म की समझ रखते थे, उन्होंने फिर भी कबीर साहब को अपनाया और अपना कर ये समाज को एक संदेश दिया कि जाति पांच से कुछ नहीं होता, ऊंच नीच कोई नहीं, हर व्यक्ति ईश्वर स्वरूप है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कबीर साहब के बारे में बहुत सारे प्रतीकों एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।